शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय अपना 3 दिवसीय सुवर्ण महोत्सव मना रहा है, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय अमरावती अपना 3 दिवसीय सुवर्ण महोत्सव मना रहा है। इनपैक्ट 2014 का विधिवत उद्घाटन सोमवार को संस्था में आयोजित हुआ। उद्घाटन की पवित्र बेला में सर्वप्रथम विद्या की देवी माँ सरस्वती का पूजन और दीप प्रज्वलन किया गया। सम्माननीय मंच पर अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विभूति डॉक्टर नटराजन, डॉक्टर ललित गोयल, डॉक्टर तुकाराम, प्राचार्य डॉक्टर गंधारे विराजमान थे। 3 दिवसीय इस प्रबोधन प्रवचन का तंत्र शिक्षण सुधार संशोधन में विकास होगा, ऐसा प्रतिपादित किया गया। अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे कांग्रेस के प्रत्याशी और निर्वाचन क्षेत्र के निवर्तमान विधायक राव साहब शेखावत अपने प्रचार में निर्वाचन क्षेत्र भर प्रचार पदयात्राएं कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने नवसारी क्षेत्र में पदयात्रा की। अमरावती मतदार संघ से दूसरी बार विधायक बनने विधायक राव साहब शेखावत चुनावी मैदान में है। विकास का हवाला देते राव साहब मतदारों से वोट मांग रहे हैं। हाल ही में राव साहब ने नवसारी क्षेत्र के नागरिक मान्यवर कांग्रेस के पदाधिकारी नगर सेवक और कार्यकर्ताओं के साथ नवसारी क्षेत्र में प्रचार पदयात्रा की। नवसारी के प्रचार कार्यालय का उद्घाटन भी इस अवसर पर किया गया। इस बार भी दमदार जीत पक्की है, यह दावा राव साहब और उनके समर्थकों का है। वन्य जीव व पर्यावरण छायाचित्र प्रदर्शनी का शानदार उद्घाटन सोमवार को वनिता समाज में किया गया। सह संचालक सामाजिक वनीकरण विभाग के श्री रॉय इनके हाथों यह उद्घाटन हुआ। जीवन के रंग मंच पर प्रकृति प्रदत्त हर जीव का, सृष्टि का अपना महत्व है। हर कोई उपयोगी है और समयानुसार अपना पात्र अभिनीत करता है। हर मनुष्य का कर्तव्य है प्रकृति की इस व्यवस्था में छेड़छाड़ न करे, सभी पात्र को अपना अभिनय करने दे। इस आशय को प्रतिपादित करते स्थानीय वनिता समाज में सोमवार को वन्य जीव पर्यावरण छायाचित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। इस प्रदर्शनी का विद्यार्थीगण और आम जनता लाभ उठाए, ऐसी आयोजकों द्वारा विनंती की गई। 2005 से हम लोग ये निसर्ग छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन करते आ रहे हैं। इस साल वन्यजीव सप्ताह के दौरान 6 तारीख से 8 अक्टूबर तक हमने इस प्रदर्शनी का आयोजन किया है। इसमें वन विभाग, मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प और अमरावती में कार्यरत कई निसर्ग में काम करने वाली संस्थाएं भी इसमें शामिल हुई है। और ये उपक्रम वसुंधरा पर्यावरण महोत्सव के अंतर्गत हम हर साल यहाँ पे लेते हैं। इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो हमारा समाज है, समाज में वन्य जीव और वन्य जीवों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुँचाए, जन जागृति अभियान हो और बच्चों को आगे जाके जो अच्छा भविष्य उनको मिले। सोमवार को मुस्लिम धर्म बांधवों ने बकरी ईद का त्यौहार मनाया। बकरी ईद पर सुबह ईदगाह पर ईद की नमाज अदा हुई। एक दूसरे को ईद की बधाइयां देने तमाम मुस्लिम धर्म बांधव ईदगाह पर पहुंचे थे। ईद यानी खुशियों का त्यौहार है, इसलिए हंसी खुशी और मुबारकबाद का आदान प्रदान कर बकरी ईद मनाई गई। सभी मुस्लिम धर्म बांधवों को बकरी ईद की दिली मुबारकबाद। इस वर्ष के शारदीय नवरात्रि उत्सव और दुर्गोत्सव 2014 का दशहरे के त्यौहार से समापन हो गया है। शहर भर के दुर्गोत्सव मंडलों ने धूमधाम से दुर्गोत्सव मनाया। अब श्रद्धा भाव से आदिशक्ति को भाविक विदाई दे रहे हैं। शहर के दुर्गोत्सव मंडल विसर्जन शोभा यात्राओं से दुर्गा विसर्जन कर रहे हैं। शहर के वीर प्रताप दुर्गोत्सव मंडल ने सोमवार को आदिशक्ति की विसर्जन शोभा यात्रा निकाली।
सराफा बाजार से इस विसर्जन शोभा यात्रा की शुरुआत हुई थी। सरोज चौक स्थित महाकाली नवदुर्गोत्सव मंडल ने भी सोमवार को मंडल में स्थापित काली मैया के प्रतिमा की विसर्जन शोभा यात्रा निकाली। ढोलताशे भाविकों द्वारा लगाए जाने वाले जयकारे के घोष में यह विसर्जन शोभा यात्राएं निकली। सोमवार को अधिकांश दुर्गोत्सव मंडलों ने आदिशक्ति के उत्सव दुर्गोत्सव का श्री दुर्गा विसर्जन से समापन किया। दर्शकों, बुलेटिन के अंत में एक बार फिर बुलेटिन की हेडलाइंस। अंतिम 6 दिन ही शेष है चुनावी प्रचार के लिए। आज से ठीक 8 दिनों बाद होगा विधानसभा चुनाव का चुनावी मतदान। चुनावी खर्चे में भी अव्वल है दिग्गज प्रत्याशी। खर्चे का ब्यौरा ना देने पर कार्रवाई। रवि राणा, डॉक्टर खारकर और संजय भंड ने मुहूर्त की अवधि में भी नहीं दिया खर्चे का ब्यौरा। 28 लाख है खर्च की मर्यादा। प्रत्याशियों पर चुनाव आयोग रख रहा पैनी नजर। चुनावी हवा में घुल मिल गई दीपावली की आहट। दीपावली की तैयारियां कर रहे नागरिक, साफ सफाई करने को प्राथमिकता। बाजारों में अगले सप्ताह दिखेंगी दीपावली की रौनक। घर का दरवाजा खुला पाकर 14,000 का लैपटॉप और मोबाइल उड़ाया सेंधमार ने। फिजलपुरा थाना क्षेत्र के श्याम नगर में घटी सेंधमारी की वारदात। चले लेते हैं आपसे विदा। सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित। हमारा पता सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर चाट अमरावती। हमारा दूरभाष क्रमांक है 2570302। हमारा वेबसाइट एड्रेस www.citynews.net.in। ताजातरीन खबरों के लिए बने रहिए अमरावती के नंबर 1 न्यूज चैनल सिटी न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।